हाय दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे नई वेब सीरीज के बारे में जो कि रिलीज हुई एमएक्स प्लेयर पर, जिसका नाम है मस्तराम। ये सीरीज में आपको 10 एपिसोड देखने को मिलते हैं। हर एपिसोड ऑलमोस्ट 28 मिनट से लेकर 33 मिनट के बीच में। इस सीरीज की मेन लीड में हमें नजर आते हैं अंशुमन झा। इस सीरीज की कहानी शुरू होती है मामा भांजे से। भांजे का यहाँ पे रोल प्ले किया अंशुमन झा ने, जिसका इस सीरीज में नाम है राजा राम। वो एक राइटर है और उन्होंने कहानी लिखी है देविका की व्यथा, और उस कहानी को लेकर वो प्रिंटिंग प्रेस वाले के पास जाते हैं, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस वाला उनकी कहानी नहीं छापता। उल्टा उनको सजेशन ये देता है कि भाई इस तरह की कहानी आजकल नहीं चलती है, अगर तुम्हें लिखना ही है तो कुछ तड़कती फड़कती चीज लिखो। तो उसके बाद आपको यही देखना है किस तरीके से राजा राम मस्तराम बनते हैं और उनकी लाइफ में क्या कुछ होता है। बेसिकली ये इस सीरीज की कहानी है। अब हम लोग बात करेंगे सीरीज से मुझे पर्सनली क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। तो जो चीज अच्छी लगी वो इस सीरीज में बताया गया लोकेशन। ये सीरीज पूरी शूट हुई है मनाली में, तो इस वजह से जो लोकेशन है वो बहुत अच्छा लगता है। तो बस एक ही चीज मुझे इस सीरीज की अच्छी लगी। बात करते बुरी चीजों की, तो देखिए यहाँ पर इस सीरीज को आप सीरीज नहीं बल्कि इतना बोलो कि एक देसी बॉर्न मूवी बना दी सीरीज के नाम पे। और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एमएक्स प्लेयर इतनी बड़ी गलती कर सकता है, क्योंकि एमएक्स प्लेयर को 2020 में अगर आप गौर करोगे तो माधुरी टॉकी, समांतर, भोपाल, एकती बेगम, इस तरीके की जबरदस्त वेब सीरीज यहाँ पर एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हुई है, जो कि लोग आज भी तारीफ कर रहे हैं। समांतर तो वन ऑफ द बेस्ट बोलूंगा 2020 में वेब सीरीज आई है, और भोपाल भी। लेकिन अब अल्ट बालाजी और उल्लू एफ सी भी मतलब नीचे स्टैंडर्ड पे आ गया एमएक्स प्लेयर, जो इस तरीके की वेब सीरीज रिलीज किया। इसमें देखने के लिए कुछ भी नहीं, सिर्फ एडल्ट चीज है, और ये सिर्फ 30 लोगों के लिए बनाई गई सीरीज है। और मैं बता रहा हूँ इस तरीके की सीरीज हमारे इंडिया में रिलीज हो रही है, वो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। तो ना ये सब चीजों को ओटीटी प्लेटफॉर्म पे नहीं बल्कि पॉर्न मूवीज रिलीज होती है ना, उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे सब चीजों को रिलीज होना चाहिए, क्योंकि ये ओटीटी प्लेटफॉर्म आजकल हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। तो उससे क्या होता है, बहुत सारे लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन अब इस तरीके की चीजें रिलीज होगी तो जो फैमिली ऑडियंस है वो तो पहले भागेगी, क्योंकि देखिए कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा इस तरीके की ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जाए जहां पर ऐसी सब चीजें रिलीज होती है। अगर मैं एपिसोड की बात करूं तो हर एपिसोड में इतने एडल्ट सीन्स डाले गए, इतने एडल्ट सीन्स डाले गए, मतलब अल्ट बालाजी और उल्लू एप वाले भी शर्मा जाए कि हम तो कुछ भी नहीं दिखाते उसके सामने। मतलब यार इन लोग ने तो हद ही पार कर दी मेरे हिसाब से, ये बर्दाश्त के बाहर है भाई। इस तरीके की चीजें मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगती, और मैं आप लोगों से इतना ही बोलूंगा कि आप लोग भी ये सब चीजों को सपोर्ट मत करो। इस सीरीज के ट्रेलर को ट्रेंडिंग में चला रहे हो यार, शर्म आना चाहिए, सच में शर्म आना चाहिए। इस तरीके की चीजों का अगर 1.5 मिलियन 1.2 मिलियन अगर व्यूज मिल जाए तो यार जो अच्छी चीजें बनाते हैं, जो अच्छा कंटेंट बनाते हैं, उनका क्या होगा? फिर लोग भी ये देखा जाएगी वही ठरकी चीजें बनाएंगे, फिर बचेगा क्या देखने के लिए? एक तरफ हमारे इंडियन फिल्म मेकर असुर जैसी वेब सीरीज बनाते हैं, और एक तरफ वही इंडियन फिल्म मेकर इस जैसी ठरकी सीरीज बनाते हैं जिसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता। अरे यार बनाना तो सीधे काम करो, पॉर्न मूवी बना दो, खत्म करो ना, क्योंकि पॉर्न ऑडियंस बहुत है तो। लेकिन इसको रिलीज करो पॉर्न की साइड पे, मगर इस तरीके की ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मत करो जहाँ पर ऑडियंस है आपकी। आपकी ऑडियंस बन गई, अब इतनी सीरीज बैक टू बैक आ रही है आपके प्लेटफॉर्म पे जो कि लोग देख रहे, अब उसमें एक भी इस तरीके की वेब सीरीज डालोगे तो आपके ही ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम खराब होगा। तो यार मैं तो इतना बोलूंगा, अगर आपको देसी पॉर्न मूवी देखना है तो आप ये सीरीज देख लो जिसका नाम है मस्तराम। क्योंकि ये सीरीज अभी खत्म नहीं हुई है, मैं आपको बता दूं अभी सीरीज का सीजन 1 आया, इसका सीजन 2 डेफिनेटली आएगा, क्योंकि जहां पर ये सीरीज खत्म हुई वहां पर एक दो सवाल बाकी रहेगा जो कि हमें सीजन 2 में देखने को मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या भाई ये टॉर्चर कम था, जो अब और भी टॉर्चर देखने को मिलेगा मस्तराम के सीजन 2 में। तो बस यार मैं तो बोलता हूँ मेरे लिए तो इतना काफी था, अगर आपको देखना तो आप जरूर देखना, ये एमएक्स प्लेयर पर फ्री में आपको देखने मिल जाएगी। बस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। Till then।